गुड मॉर्निंग माय नेबर। So there are many things about India that I like, but there is one thing that I hate. Nanda Devi ka bada track when she start ho raha hai. And get out. Let's go for the new adventure with the new day. Chalo. Chalo. So aaj naya din hai. होली से ही अभी हम होली में ही हैं। सो आज हम एक नई जगह पे जा रहे हैं। कल जैसे हम वहाँ पे गए थे होली में, जो टॉप हाइट थी मतलब पहाड़ों की, आज हम लोग रॉपवे से वहाँ से जाएंगे और वहाँ पे ट्रैक है 3-4, मैं नाम अभी याद नहीं है। सो वहाँ की जो लोकल से बात करेंगे तो आपको नाम बताऊँगा। 3-4 ट्रैक है, वो कर सकते हैं। सो अभी हम एक ट्रैक वहाँ पर करेंगे जो 3 किलोमीटर की है, ठीक है। सो अभी हम उसी के लिए रेडी वेडी हो रहे हैं, निकल रहे हैं। तो मैं तो रेडी हो चुका हूँ, इवाना भी रेडी हो चुकी है और बस ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं। ये बंदा कभी हमारा वेट नहीं करता है। सी हमारा मतलब पहले ही खाना शुरू कर देता है ये। इवाना रेडी हो चुकी है और स्टीव अभी रेडी हो रहा है। इवाना कम, सो आर यू एक्साइटेड फॉर द रॉपवे? यस। हैव यू डन बिफोर? हैव यू डन बिफोर? या, यस्टरडे। दैट इज नॉट रॉपवे। ओह, हाउ इज इट डिफरेंट? दैट इज चेयर केबल, but two different thing. How? I mean, things are same but name are different. Okay, let's do it, whatever. Chalega. So bas breakfast kas karne ke baad phir just nikalte hain, theek hai? Jo Joshimath se Oli tak ka matlab track number 10 jo hai, wahan pe jane ke liye jo iski jo lambai aur chahiye, Asia mein second number pe aata hai Gulmarg ke baad, jo ki 4.4 km ki iski lambai hai, jise मतलब मेरे ख्याल 30 मिनट के आसपास लगता है। तो अभी जो उसका रेट है वो मेरे ख्याल से 1000 रुपये के आसपास है, जो लोकल बंदों ने बताया। पर एक बार जाके देखते हैं। जोशीमठ से हमें ऊपर वापस ओली की तरफ जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से एक ट्रैक है गौरसन बग्याल ट्रैक है जो कि 3.3 किलोमीटर है। सो वहाँ पर भी हम मे बी यहाँ से ट्रैक मतलब रॉपवे ले कर वहाँ जाएँगे ओली, फिर वहाँ से मतलब हम लोग ट्रैक करेंगे, ठीक है। तो फिर अभी चलते हैं वहाँ पे, सब कुछ खाओ, ब्रेकफास्ट का सब कुछ हो चुका है, बस निकलने वाले हैं। तो बाइक हमने पार्क करी अपनी ऊपर, ठीक है। सैबी के चक्कर में वी आर लेट, बट देखते हैं कि ट्रैक भी लगता है कि मुश्किल हो पाएगा, क्योंकि टाइम पे आना है, थोड़ा रेस्ट भी करना है और ऑफिस का काम भी है। हमने अपनी बाइक यहाँ पार्क करी हुई है, कुछ जगह का नाम दिखा देता हूँ। अच्छी जगह यार ये, ब्लू बेल्स कॉटेज, काफ़ी अच्छी जगह है भाई, मतलब जोशीमठ से अच्छी है। आप यहाँ से ओली के लिए बहुत पास में जा सकते हो, सारे ट्रैक में सब ट्रैक भी बहुत पास में है, यहाँ पर भी स्टे कर सकते हो और यहाँ बहुत सारे होम स्टे भी हैं, तो आप उनसे ही बात कर सकते हो कॉल पे, उसके बाद आप यहाँ पे आ सकते हो। चलो अब ब्लॉग लंबा नहीं करते, बाइक निकालते हैं, जोशीमठ चलते हैं पहले। No, but I was bringing water and food, मतलब ध्यान रखती काफ़ी ज़्यादा। And so, apples. Yeah. मतलब भाई खाने पीने का इतना ध्यान रखती है ना, अपना साथ है मेरा भी। आई मीन यू टेक केयर ऑफ माई एज वेल, लाइक केयर योर फूड ईच एंड एवरी थिंग। सो अभी क्या है, हम लोग बस यहाँ पर बैठेंगे और सीधा जोशीमठ में वीडियो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपने तो रास्ता पूरा देख रखा है ये वाला। तो सो हम लोग पहले जोशीमठ जाएंगे रोपवे और फिर उसके बाद आगे, तो वहाँ कंटिन्यू करते हैं। Let's go for the new adventure with the new day. चलो। चलो। हम लोग यहाँ से, मैं ऊपर जाना है अभी यहाँ से, बट ये कार आपको इधर नहीं जाना है। अगर आप नाइट में आओगे तो आपको पे करना पड़ेगा, अदरवाइज डे में फ्री पार्किंग है, आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये टाइमिंग है, सुबह मतलब स्टार्ट जाती है 8:50 AM से 9:15, सो ये इतनी टाइमिंग है। लास्ट जो होती है वो 4:45 तक होती है। चार्जेस आएगा हमें 1000 रुपीज़ आएगा पर पर्सन के हिसाब से। और आपको चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ से एंट्री होगी तो बंदे का टिकट होता है। सो ये है, यहाँ से स्टार्ट होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 इज़ द लास्ट वन। और स्काई लिफ्ट यहाँ पे होती है, ठीक है। प्राइवेट होस्ट होटल भी है और चेयर लिफ्ट है,
चेयर लिफ्ट जैसे मैं आपको देखिए मतलब जब आप वहाँ जाएंगे क्या नाम है आर्टिफिशियल लेक के पास जाएंगे तो आपको यहीं से मतलब ट्रैक भी स्टार्ट करना पड़ेगा और यहीं से आपको चेयर लिफ्ट मिल जाएगा ठीक है। सो अब ये लास्ट वाले पे जा रहे हैं सेम लोकेशन है फिर वहाँ से हम लोग ट्रैक स्टार्ट करेंगे। सो अभी जस्ट वेट करते हैं क्योंकि इन्होंने टाइम थोड़ा ज़्यादा बता दिया हमें तो जब तक देखते हैं कुछ खाते पीते हैं फिर चलते हैं। एक टिकट 1000 रुपये की अंकल ओके ये डन चले टिकट हमें मिल गया गाइस कम फास्ट लकी कि हम 4 लोग जा रहे हैं 25 लोग जाते हैं रिकॉर्ड पड़ रहा कम अभी भी जहाँ ये छोड़ेगा 10 बजे स्टॉप पे वहाँ से फिर कितने किलोमीटर 1.5 और कैसे अकेले जा सकते हैं नहीं विदाउट गाइड तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जाने ही नहीं देंगे। अच्छा और वहाँ पे क्या क्या मिलेगा कुछ नहीं आजकल स्नो ही है और क्या स्नो है वहाँ पे बस। अपना मौसम थोड़ा ठंडा होने स्टार्ट हो गया है हम लोग काफ़ी हाइट पे आ गए और यहाँ पे सिर्फ 2 ही रोपवे हैं एक जाने का और एक आने का ऐसा नहीं कि बहुत सारे हैं मतलब 2 और जाने का। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया ये एशिया का मतलब दूसरा सबसे बड़ा और ऊँचाई हाइट वाला मतलब रोपवे है इससे पहले जो पहले आता है वो गुलमर्ग में जो है वो वाला है सही बोल रहा हूँ गूगल पर सर्च मार लेना। सो अब देखो व्यू क्या कर रहा है भाई ठंड हम लोग कहाँ से आ रहे हैं भाई वहाँ से अभी तो स्नोफॉल हो रही है बर्फ ही बर्फ जमी है। कल हम चेयर केबल से यहाँ पे आए थे दिखाते हैं ये देखो पूरा आर्टिफिशियल लेक और कल हम यहाँ पे थे। गुड मॉर्निंग माय नेबर स्टॉप हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं ये लास्ट 10वां है फिर यहाँ से हम बस थोड़ा ट्रैक करके आगे की तरफ जाएंगे वहाँ पे। अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप ये क्या कहते हैं इनको घोड़े भी हैं और वो गधे हैं ना उन्हें भी ले जा सकते हैं। मेट्रो वाली फीलिंग आ रही है मेरे को। अरे वेट यार ये बहुत गलत है। तो यहाँ पे खाना वाना सब ये कैंटीन वेंटीन आप खाना खा सकते हो उसके बाद गाइड करना स्क्रीनिंग हो जाती है यहाँ पे। सो अभी तो हम लोग 500 पे कर रहे हैं एक बंदे के लिए पर मेरे ख्याल से भैया सीजन के टाइम पे स्कीइंग कितने रुपए पड़ता है सीजन के टाइम पे 750 लेते हैं 750 चार्ज है 1 आवर के लिए स्टेटस खाता रहता है आपका ओके आपको पहले जूता 1 घंटे के लिए जूता स्टिक सब इक्विपमेंट देंगे और स्टेटस खाता रहेगा जब तक आप पेन उतारोगे नहीं ओके और आपको हम पूरा ट्रैक करते मतलब जब तक अच्छा जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन यहाँ से कौन कौन से ट्रैक जाते हैं तो गोसन का जाता है यहाँ से एक गोसन वैली का ट्रैक है हाँ फिर यहाँ से एक क्वारी पास ट्रैक है वो तीन बजे का तीन दिन का ट्रैक होता है वो 3 डेज का उसमें बीच में स्टे करना पड़ता है टेंट गाइड के साथ जाना पड़ेगा बिना गाड़ी के नहीं जा सकते सर बिना गाड़ी के नहीं जा सकते और फिर दूसरा तो यहाँ पर यही है गोसन वैली और क्वारी पास और नेक्स्ट कुछ नहीं यहाँ पर ओली में फिर यहाँ से एक फ्लावर वैली भी तो होता है फ्लावर वैली का अलग ट्रैक है सर वो ट्रैक वो यहाँ से जोशीमठ से 15 किलोमीटर अपर बद्रीनाथ के बद्रीनाथ धाम सुना होगा आपने हाँ बद्रीनाथ का उसके रोड पे पड़ता है 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है गाड़ी चलना पड़ता है उसके बाद फिर ट्रैक चलता है कितने किलोमीटर बाद वो 13 किलोमीटर ट्रैक होता है अभी तो बंद होगा अभी बंद है वो कौन सा टाइम होता है जून फर्स्ट वीक में खुलेगा वो फर्स्ट में खुलता है ओके जून में खुलेगा और ओली आने का सबसे बेस्ट टाइम ओली आने का बेस्ट टाइम आपका नवंबर सेकेंड वीक के बाद और दिसंबर ये फरवरी सेकेंड वीक तक बेस्ट टाइम है। अच्छा अभी ये सर मार्च आपका लास्ट है होगा इसमें मेल्ट होगी सर बर्फ। अच्छा बद्रीनाथ की इस टाइम पे बद्रीनाथ मई फर्स्ट वीक से अभी तो बाइक से साथ नहीं, नहीं नहीं अभी नहीं तो देंगे परंतु आपका बद्रीनाथ से 10 किलोमीटर आगे बैरल लग जाएगा वहाँ से आगे किसी को अलाउड नहीं है हमको भी अलाउड नहीं है लोकल्स को भी लोकल्स को भी अलाउड नहीं है। अच्छा
वो कब खुलता है? बदरीनाथ जाना फर्स्ट वीक खुलता है, फर्स्ट वीक में, फर्स्ट वीक खुलेगा मई, और नवंबर सेकंड वीक बंद हो जाएगा। ओके, सिक्स मंथ का उसका होता है पीरियड, उसमें बंद हो जाता है, उसके बाद वहाँ अलाउड नहीं जाना। ओके, थैंक यू सर। और इसके अलावा कुछ और बताना चाहेंगे आप? इसके अलावा यहाँ पर सर बद्रीनाथ धाम का जो वो होती है पूजा होती है 6 महीने, वो होती है पांडुकेश्वर में, यहाँ से जोशीमठ से आगे पांडुकेश्वर है। हाँ। वो 20 किलोमीटर आगे पांडुकेश्वर पड़ता है बद्रीनाथ रोड पे, वहाँ पर शीतकालीन पूजा होती है बद्रीनाथ की। ओके, और वहीं से आगे बद्रीनाथ ट्रैक है जो वहाँ से पांडुकेश्वर से 22 किलोमीटर आगे बद्रीनाथ पड़ता है। और फिर दूसरा यहाँ जोशीमठ में तोवन घाटी है, तोवन में यहाँ हॉट स्प्रिंग वाटर है जो कि भविष्य बद्री रोड पे पड़ता है, बद्रीनाथ वाले रोड पे पड़ता है ना भविष्य बद्री, वो भविष्य बद्री है, तपन ट्रैक है ना कि बाइक डायरेक्ट जा सकती है तोवन तक, वहाँ जा सकती है गर्म पानी तक, जहाँ गर्म हॉट स्प्रिंग वाटर है अभी जा सकते हैं पे, हाँ जा सकते हैं, कोई नहीं तो उसका प्लान करते हैं, उसका प्लान 15 किलोमीटर है जोशीमठ से, इस दूसरी रोड है तोवन रोड, वहाँ पर कल ने काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपको, और हम लोग अभी ऊपर ही जा रहे हैं इवाना। सो इवाना, मेरे को भाई ट्रैक करना पसंद है, तो हम बंदे कह रहे घोड़े, मैंने कहा नहीं घोड़ा घोड़ा से लेके नहीं जाऊंगा मैं, हमने कहा घोड़े वोड़े से नहीं जाएंगे। लेट्स गो, 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 गो। हम लोग यहाँ तक पहुँच गए अब तक, मतलब हम गाइड लेके नहीं आ रहे, ऐसे ही आ रहे, एक बंदे से मुलाकात हो गई थी हमारी, ही सेड कोई दिक्कत हो फ़ोन कर देना, तो मैं तो अकेले जा रहा हूँ, मतलब गाइड वाइड लेके आना यार, फैमिली आ रही है तो गाइड लेके ही आना, हमारा तो कोई मतलब डेस्टिनेशन नहीं है, कब वापस जाना है कब आना है, इसलिए तो हम ऐसे निकल रहे हैं। एंड गेट आवर फीट इनसाइड एंड ट्राई नॉट टू गेट वेट आल्सो। अभी भी बर्फ है यहाँ पे। व्हाट आर यू डूइंग? ओ लॉन्ग टाइम इट हैज बीन। You didn't do this? Never, snowfall. I didn't do this. This was my favorite thing when we were kids. And then I can make a snowman. So there are many things about India that I like, but there is one thing that I hate. And that's all these things. And I can still not understand why you can carry all these things up in the mountain when they are so heavy and you cannot carry them back when they are so light. And it's so nice when you come in nature and just enjoy how clean and nice it is. And this is just damaging the view. So I'm a bit sad about that. करना मतलब स्काइंग करना इतना, मतलब इस टाइम पे क्या है कि ज़्यादा स्नोफॉल नहीं है अभी, तो बस ऐसे ही चल रहा है, बट जो रियली जो टाइम होता है ना जनवरी फरवरी का, उस टाइम पूरा प्रॉपर स्नोफॉल होता है, तो उस टाइम पे आपकी वीडियो काफ़ी अच्छी आएगी। ये तो बस ये कि अभी इनको बस एक्सपीरियंस करना था इसलिए कर रहे हैं, बाकी मैं और इमाना हम लोग वहाँ से भी घूम घूम के आए, हमें एक बैंगलोर के बंदा मिला, मुझसे बात करने लगे इसकी फैमिली के साथ में, सो माइट बी कल हम एक नई जगह पर जाने वाले हैं। इज इट वी आर गोइंग टू न्यू प्लेस टुमारो, सो एक दिन और स्टे करने वाले हम लोग, सो हाँ प्लेस कौन सा हम बताएंगे नहीं, ठीक है बाद में आपको दिखाएंगे जब हम लोग जाएंगे, ठीक है। सी 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 द हार्ड वर्क ऑफ स्टीव स्टीफन, एनी फीडबैक फॉर द पब्लिक? ही इज गोइंग टू द ग्रैंड स्लैम, इट्स कोल्ड, इट्स फ्रीजिंग ब्रो। और एक्सपीरियंस ब्रो, वी वेंट टोटली अनप्रिपेयर्ड, यू नो, so we were supposed to carry some gloves and all those things, but I mean they should have to provide as well, right? We I have just seen walked that in like a thug. Uh-huh. And look at her hands. What about you bro? I saw you enjoyed, you fall down multiple times. Yeah bro, I literally enjoyed. I'm getting little more energy also. I'm not getting tired. और जैसे कि आपको दिख रहा है ना, आपको सिर्फ वीडियो में पता नहीं दिख रहा होगा दिख रहा होगा, ये इंडिया का सेकंड सबसे बड़ा पीक है नंदा देवी ना, तो नंदा देवी का ट्रैक वहीं से स्टार्ट हो रहा है, पहले गाइड होने लगा ना, गाइड होने लगा वहीं से, बट उसकी तलवार। बारिश हो रही है, सब लोग जा चुके हैं यहाँ से, मैं एक ऊपर से पेड़ है उसके ऊपर खड़ा हूँ, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। And if you like this video, please do like and subscribe, and we will meet you in the next vlog.
साले का खोपड़ी तोड़ रहे, खोपड़ी तोड़ साले का।